नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नववर्ष के आगमन पर टेकड़ी गणेश मंदिर में बापा और साई मंदिर में साई बाबा के दर्शन करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने मांगी कोरोना से निजात की मन्नत। कोरोना की दहशत के बावजूद नहीं डर रहे लोग, नववर्ष पर निकल पड़े परिजनों के साथ खुशियां मनाने। महाराज बाग और फुटाला पर उमड़ी भीड़। और नागपुर मेट्रो ने शनिवार को पूर्व नागपुर के प्रजापति नगर मेट्रो स्टेशन तक किया मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन। जल्द ही सेंट्रल एवेन्यू होते हुए पूर्व नागपुर तक दौड़ती नजर आएंगी मेट्रो ट्रेन। और अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2022 का आगमन होते ही पहली तारीख पर नागपुर वासियों ने शनिवार को सुबह से ही टेकड़ी गणेश मंदिर और साई मंदिर पर दस्तक देने का क्रम जारी रखा। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर बापा और साई बाबा के दर्शन किए और अपनी व अपने परिवार की खुशहाली की मन्नतें मांगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुष्प अर्जित कर पूजा अर्चना की। इस दौरान अनेक लोगों ने कोरोना के रोग से सभी को मुक्ति दिलाने की भी कामना की। हालांकि इन दिनों कोरोना ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने किसी भी स्थान पर गर्दी नहीं करने की गाइडलाइन जारी कर रखी है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर अपना नववर्ष का संकल्प पूरा किया। इस दौरान गाइडलाइंस को भी श्रद्धालु नजरअंदाज करते हुए दिखाई दिए। नागपुर शहर में एक ओर जहां प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर नागपुर की पब्लिक है कि मानती ही नहीं। लोग अपने परिजनों के साथ नववर्ष की खुशियां मनाने बड़ी तादाद में शहर के पर्यटन स्थलों पर निकल पड़े हैं। शनिवार को नया साल का पहला दिन यानी लोगों के लिए खुशियों भरा दिन। हर कोई परिजनों के साथ मौज मस्ती के मूड में रहता है, परंतु इस बार भी फिर से कोरोना की दहशत मंडराते हुए दिखाई दे रही है। प्रशासन की तमाम गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर लोग महाराज बाग और फुटाला परिसर में बड़ी संख्या में मौज मस्ती करते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की तो यह धज्जियां उड़ती दिखी ही, मास्क भी अधिकतर लोगों ने नहीं पहना था। अब लोग भी क्या करें, नया साल भी रोज रोज तो आता नहीं, इसलिए लोगों ने भी बिना डरे नववर्ष मना ही लिया। शनिवार दोपहर को नागपुर की मेट्रो ट्रेन वैष्णो देवी चौक के आगे प्रजापति नगर स्टेशन तक दौड़ती नजर आई तो क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखा गया। लोगों ने एक दूसरे को बताया और ट्रेन के वीडियो निकाल कर वायरल कर दिए। कुछ दिनों पूर्व नागपुर मेट्रो प्रशासन ने सीताबर्डी से सेंट्रल एवेन्यू रोड होते हुए वैष्णो देवी चौक तक मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को अंजाम दिया था। इसके बाद आज शनिवार को नागपुर की मेट्रो ट्रेन वैष्णो देवी चौक के आगे प्रजापति नगर स्टेशन तक दौड़ती नजर आई तो उस क्षेत्र के लोगों को ऐसा लगा जैसे नववर्ष का तोहफा मिल गया हो। मेट्रो कार्य की जारी तेज रफ्तार के चलते शनिवार को इस ट्रायल रन को अंजाम दिए जाने की जानकारी है। क्षेत्र में मेट्रो ट्रेन के दौड़ने का वीडियो वर्धमान नगर निवासी चिराग मनोज अग्रवाल ने वीकेबी न्यूज को भेजा। लोगों में उत्साह नजर आया और चर्चा होने लगी कि अब जल्द ही पूरे शहर में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। नागपुर में पुलिस द्वारा प्रतिबंधित नायलॉन मांझे पर रोजाना कार्रवाई की जा रही है। वहीं साल के अंतिम दिन सक्करदरा, अजनी, पांच पावली और हुडकेश्वर पुलिस द्वारा नागपुर शहर में बड़े पैमाने पर नायलॉन मांझा पकड़ा गया, जिसमें पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों का मांझा जब्त किया गया। नागपुर शहर में मकर संक्रांत आते ही बच्चों के साथ बड़े लोग भी पतंग उड़ाने लगते हैं, जिसमें नायलॉन मांझे का बड़े पैमाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी जानलेवा और हानिकारक है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन फिर भी लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। पुलिस द्वारा भी रोजाना बड़े पैमाने पर नायलॉन मांझा पकड़ा जा रहा है। वहीं शुक्रवार को सक्करदरा, अजनी, पाचपावली और हुडकेश्वर पुलिस द्वारा नागपुर शहर में बड़े पैमाने पर नायलॉन मांझा पकड़ा और पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़े पैमाने पर नायलॉन मांझा जब्त किया, जिसमें पाचपावली पुलिस ने 24 बंडल, अजनी पुलिस ने 22, हुडकेश्वर पुलिस 11
और सक्करदरा पुलिस ने 24 बंडल जब्त किए। जब्त किए गए नायलॉन मंजे की कीमत 1,52,000 बताई गई। नायलॉन मंजाची विक्री करणारे, जवळ बळणारे किंवा त्याचा वापर करणारे यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश माननीय पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार सर तसेच DCV डिटेक्शन सर यांनी दिलेले आहेत। त्या पार्श्वभूमीवर गुन्हे शाखेकडून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात येत आहे। काल गुन्हे शाखा युनिट 3 यांनी एकाच दिवशी 7 पोलीस स्टेशन अंतर्गत कारवाई केलेली आहे। त्याच्यामध्ये पोलीस स्टेशन 5 पावली, हुडकेश्वर, सक्करदरा, अजनी, गिट्टीगदान, वाडी आणि पोलीस स्टेशन MIDC या पोलीस स्टेशनचा समावेश आहे। या 7 पोलीस स्टेशनमध्ये 7 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असून आरोपींना अटक केलेली आहे। या कारवाईमध्ये सुमारे 2 लाखाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व राज्य अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने हो रहे सभी फर्जीवाड़े उजागर करने की बात शनिवार को कही। उन्होंने कहा कि वे मंदिर और मस्जिद की जमीन हड़पना, बैंक में धोखाधड़ी करना, बैंकों को डुबाना, बैंक के पैसों से राजनीति करना, ऐसे सभी फर्जीवाड़ों का खुलासा वे जल्द ही करेंगे, फिर चाहे उन पर मानहानि का दावा क्यों ना हो। मलिक ने कहा कि वे भाजपा का काला चिट्ठा उजागर करेंगे। ही परिस्थिती देशात निर्माण झालेली, मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये संख्या वाढत चाललेली आहे। टास्क फोर्सच्या बैठका होत आहे, पंतप्रधान लोकांना सांगताय की सोशल डिस्टन्सिंग ठेवलं पाहिजे, मास्क लावलं पाहिजे, तरी भाजपचे लोक त्यांचं ऐकत नाही। उत्तर प्रदेशमध्ये गृहमंत्री हजारोच्या संख्येने लोक जमवत आहे, योगी महाराज लोक जमवत आहे निवडणुकीसाठी, यांच्या काय प्रचार सभा थांबत नाही। देशामध्ये ज्या प्रकारे इतर राज्यांमध्ये निवडणूक असताना दुसरी लाट आली होती, तिसरी लाट निर्माण करण्यामध्ये भाजपचा मोठा हात राहील हे स्पष्ट आहे। आणि निवडणुकीच्या बाबतीत आमचे स्पष्ट मत आहे की निवडणूक पुढे ढकलण्याचा डाव हे करू नका, वेळेवर निवडणुका घ्या, राष्ट्रपती राजवट लावून राज्यांचे अधिकार स्वतःच्या हातात घेण्याचा डाव हे पुढे आणू नका। निवडणूक घेत असताना 5 लोकांपेक्षा जास्त प्रचाराला हजर राहणार नाही, डोर टू डोर प्रचार करून पोलिंग बूथवर जास्त बूथ निर्माण करणे, सोशल डिस्टन्सिंगच्या पालन करणे, या प्रकारे निवडणुका होऊ शकत आहे। पण भाजपला या पद्धतीने उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता जाताना दिसत आहे। योगीचा चेहरा हा सत्ता परिवर्तनाचा मूल मंत्र आहे, त्यांचा चेहरा बाजू करून उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुका घ्यायचा आहे, त्यासाठी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा डाव भाजप खेळू शकते, पण राष्ट्रपती राजवट लावून निवडणूक पुढे ढकलणं याचा आमचा विरोध राहणार आहे। मुंबई में 55% ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 282 सैंपलों की रिपोर्ट शुक्रवार को सामने आई। इनमें से डेल्टा वेरिएंट के 13%, डेल्टा डेरिवेटिव के 32% और ओमिक्रॉन के 55% मरीज सामने आए हैं।
मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में कोविड 19 वायरस के सातवें जीनोम सीक्वेंसिंग जांच में 282 कोरोना पॉजिटिव केसेस के सैंपलों की जांच की गई। इनमें ओमिक्रॉन के करीब 156 यानी 55% मरीज सामने आए हैं। इस तरह मुंबई में कहीं ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा तो नहीं बढ़ रहा है, यह सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि इन 156 ओमिक्रॉन संक्रमितों में से सिर्फ 9 संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत महसूस की गई। मुंबई महानगर पालिका BMC ने यह स्पष्ट किया कि इनमें सौम्य लक्षण पाए गए। कस्तूरबा अस्पताल की प्रयोगशाला और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV में संयुक्त रूप से 376 मरीजों के सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से 282 मरीज मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव मरीज है। इन 282 सैंपल की रिपोर्ट शुक्रवार को सामने आई। इनमें से डेल्टा वेरिएंट के 13%, डेल्टा डेरिवेटिव के 32% और ओमिक्रॉन के 55% मरीज सामने आए। यानी एक बात स्पष्ट हो रही है कि शहर में डेल्टा वेरिएंट का असर कम हो रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन का प्रसार तेजी से हो रहा है। नागपुर के रेशिमबाग मैदान में भीम आर्मी संविधान रक्षक दल द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन साथ ही भीमा कोरेगांव शौर्य दिन समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान विजय स्तंभ को मानवंदना दी गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोविड दिशा निर्देश अनुसार नागपुर के रेशिमबाग मैदान में भीम आर्मी संविधान रक्षक दल द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन साथ ही भीमा कोरेगांव शौर्य दिन समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नागपुर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। साथ ही भीमा कोरेगांव की घटना के स्मरण में विजय स्तंभ को मानवंदना दी गई। इस कार्यक्रम में भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज अपन 1 जानेवारी 2022 इतने हा भीमा कोरेगाव निमित्त जो शौर्य दिनाचा समारंभ इतने आयोजित केलेला आहे, तो त्याचा हा जो समारंभ इतने आयोजित केला आहे त्याचा मागचा उद्देशच हा आहे की आमच्या आंबेडकरी समाजातील जे आमचे बांधव आहेत, बंधू आहेत, यांना यांचा इतिहास समजावा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी खूप चांगल्याने सांगितलेलं होतं, जो व्यक्ती स्वतःचा इतिहास विसरतो तो कधीच इतिहास घडवू शकत नाही। आणि हा जो मानवंदनाचा कार्यक्रम आहे हा आम्हाला आमच्या समाजातील लोकांना एक हा संदेश देण्याकरिता आम्ही हा समारंभ ठेवलेला आहे की तुमच्या पूर्वजांचा आणि आमच्या पूर्वजांचा इतिहास हा किती शौर्यवान आहे हे सांगण्यासाठीच हा आम्ही इथे कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आमच्या लोकांना आम्ही इन्स्पिरेशन देतो अशा प्रकारचे कार्यक्रम घेऊन, आणि त्याकरता भीम आर्मी संविधान रक्षक दल आणि भीम आर्मी यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आज हा समारंभ इथे आम्ही आज दिनांक 1 जानेवारी 2022 भीमा कोरेगाव शौर्य दिन सोहळा रेशीमबाग मैदानात आज आम्ही उच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार आम्ही 2 ते 5 अभिवादन सोहळा आयोजन केलेला होता आणि त्या अनुषंगाने आम्ही वेळेवर हा कार्यक्रम सुरू केलेला आहे। भीम आर्मी संविधान रक्षक दल महाराष्ट्र व भीमराज की बेटी हा संयुक्त कार्यक्रम आम्ही इथे आयोजन केलेला आहे। मागील 1.5 महिन्यापासून आम्ही या रेशीमबाग मैदानाची आम्ही प्रशासनाला परवानगी मागितली होती आणि रिसर आम्ही ज्यांचं हे ग्राउंड आहे CP&BRR तसेच नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्याकडनं आम्हाला परवानगी प्राप्त झालेली होती, परंतु 22 डिसेंबर रोजी पोलीस प्रशासन कोतवाली यांनी ही परवानगी नाकारलेली होती। आम्ही त्या अनुषंगाने माननीय उच्च न्यायालयामध्ये 27 तारखेला आम्ही रिट पिटिशन दाखल केलेली होती आणि त्या अनुषंगाने माननीय न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस महाराष्ट्र सरकारला बजावले होते आणि त्यावर निर्णय माननीय उच्च न्यायालयाने 30 तारखेला दिले आणि आम्हाला कोविडच्या गाईडलाईननुसार कार्यक्रमाची 2 ते 5 ही परवानगी आम्हाला मिळालेली होती आणि माननीय उच्च न्यायालयाचा आमच्या संघटनेमार्फत जो लढा दिलेला आहे तो ॲडव्होकेट सोनिया गजबे यांनी दिलेला आहे आणि त्या अनुषंगाने आज शांतिप्रिय पद्धतीने कार्यक्रमाचे आयोजन झालेले आहे। इथे येणाऱ्या प्रत्येक अनुयायांचे मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नागपूर में भरतवाड़ा रोड स्थित पवन गांव में नागपुर पुलिस के परिमंडल 5 की टीम ने सुपारी के एक गोदाम पर छापा मारा और FDA ने 180 बोरा सुपारी बरामद की है। अन्न व औषधि विभाग की टीम ने सुपारी के नमूने लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिया है। फिलहाल गोदाम सील कर दिया गया है। परिमंडल 5 के उपायुक्त मनीष कवलनिया को गुप्त जानकारी मिली थी कि भरतवाड़ा रोड स्थित पवन गांव में फारूकबाई नामक व्यक्ति का सुपारी का गोदाम है, जिसमें घटिया दर्जे की सुपारी होने की आशंका व्यक्त की गई थी। उसके बाद कवलनिया के आदेश पर गुरुवार की रात करीब 9 से 10 बजे के दौरान पुलिस ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान गोदाम में सुपारी के 180 बोरे मिले हैं। इनकी अनुमानित कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है।
दिनांक 30/12/2021 रोजी सायंकाळी 5:30 सुमारास माननीय पोलीस उपायुक्त झोन 5 सर यांच्या पथकातील APIPCA व अंमलदार हे कळमना पोस्ट हद्दीमध्ये पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना पवनगाव टी पॉइंट येथे एक सुपारींनी भरलेला ट्रक मिळून आला. त्यांनी सदर ट्रकची पाहणी केली असता त्या ट्रकमध्ये 100 बोरी प्रत्येकी 60 किलोची सुपारी असल्याचे व सदरची सुपारी ही सडकी असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. त्यानंतर त्यांनी सदर माला सुपारीच्या मालकाबाबत विचारणा केली असता GB ट्रेडर्स फारुखभाई यांचा तो माल असल्याचं माहिती प्राप्त झाली. त्यानंतर त्यांनी सदरची माहिती आम्हाला पोलीस स्टेशन कळमना येथे देऊन आम्हाला घटनास्थळावर बोलावून घेतले. त्यानंतर त्यांनी पुढे जाऊन पुन्हा GB ट्रेडर्स यांच्या गोडाऊनवर पुन्हा जाऊन पाहणी केली असता त्या ठिकाणी सुद्धा काही सुपारीचा माल त्यांना मिळून आला. त्यानंतर अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री माटोदकर यांच्याशी संपर्क करून त्यांना घटनास्थळावर बोलावण्यात आले व त्यांच्या समक्ष त्यांनी स्वतः ट्रकमध्ये मिळून आलेल्या 100 बोरी तसेच गोडाऊनमध्ये मिळून आलेल्या 80 बोरी सुपारी, बारीक सुपारी 30 बोरी आणि भुसा 49 बोरी अशा सर्व मुद्देमालांची त्यांनी तपासणी करून पंचनामा कारवाई केली. तसेच त्या ठिकाणी त्यांनी सदर सुपारीच्या मुद्देमालाचे सॅम्पल घेतले असून ते तपासणीसाठी ते पाठवत आहेत. त्या तपासणी त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी त्यांचा रिपोर्ट आम्हाला सादर पोलीस स्टेशनला सादर केल्यानंतर या अनुषंगाने पुढील कारवाई करीत आहोत. तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए VKB News. नमस्कार.